चलो, तो हमने कल क्या-क्या पढ़ लिया था भाई? इनवर्स वाला पढ़ लिया था हम लोगों ने, रेसिप्रोकल। यस सर। चलो एक एग्जांपल उस पे लगाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फाइंड द इनवर्स या रेसिप्रोकल लिख लीजिए ऑफ जेड देखना जरा भाई। जेड अपने पास 3-4 आई है ना? यस सर। तो जेड इनवर्स 1/जेड होगा वन माइनस। जब ये 1/ है, जेड पावर -1 है, 1/ कर लेंगे और ये फिर 1/3-4 आई हो जाएगा। क्या मैं इसमें कॉन्जुगेट ले लेता हूँ ऐसे? सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। हाँ जी बेटा। okay, कल स्टार्ट हुआ था, लेक्चर देख लेना एक बार। यस सर। हाँ बहुत बेसिक समझाया था, बड़े आराम से चल लेते हम लोग। अब ऊपर अपना एज इट इज, लेकिन नीचे अपना a² - b² याद है मुझे? यस सर। तो 3+4i/9+16 Yes, yes. भाई आई स्क्वायर की वैल्यू -1 यूज कर दी मैंने, तो 3+4i/25 और ये अलग अलग ले लेंगे अब इसके साथ, तो 3/25+4/25 क्या कहते हो? Yes, sir. चलो सेकंड पार्ट लगाएंगे इसके बाद आपस में। सेल्फ से करें सेकंड पार्ट, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, ट्राई करें। यस सर। अगर बी वाले को मैं डायरेक्ट लेना चाहूं तो पहले ऐसे लिखूंगा, फिर मैं -12 - 5i - 12 - 5i यही तो करूंगा कॉन्जुगेट बेटा। -12 - 5i / 169। हाँ तो माइनस चाहे तो कॉमन भी ले सकते अपॉन 169। ठीक है ना? आगे चलें। यस सर। कर रहे हैं सर, नोट नहीं किया। डन सर। तो हम ये बात कर रहे थे, इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं तो उनके केस ये होते हैं कि भाई उनका रियल और इमेजिनरी पार्ट इंडिविजुअली इक्वल होने चाहिए। मतलब आपका एक जेड वन है, एक अपने पास है जेड, जेड टू है c+id। ठीक है, अब अगर दोनों इक्वल हो तो इसकी कंडीशन यह है कि a जो है वो अपना c के इक्वल होगा और b अपना d के इक्वल। मतलब रियल रियल इक्वल होने चाहिए और इमेजिनरी भी इक्वल होने चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात बेटा? दोनों के रियल पार्ट भी इक्वल होंगे, दोनों के इमेजिनरी पार्ट भी। क्या मैं समझ पाया? यस सर। चलो आगे अगले वाले पे मूव करते, आगे ध्यान देते एक एग्जांपल से। इफ
जेड वन इक्वल टू एक्स प्लस टू प्लस वाई माइनस टू आई एंड जेड टू इक्वल टू सेवन माइनस एट आई आर इक्वल. आर इक्वल का मतलब दोनों इक्वल. फाइंड एक्स एंड वाई. Then find x and y. x 5, y 10. कंपेयर करेंगे क्यों भाई? जेड वन जेड टू को कंपेयर करते ला रहे. x प्लस टू हो जाएगा मेरा सेवन, यानी x की वैल्यू फाइव बनेगी एंड y माइनस टू इक्वल टू माइनस एट, y इक्वल टू माइनस. तो अपना x और y दोनों मिल गए मुझे 5 माइनस 6. सही रहा? यस सर. चलो इसकी स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे. आया बेटा? हो गया बेटा? यस सर. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं. सर लास्ट पेज शो करना एक बार. हो गया बेटा? डन सर. अब नेक्स्ट जो चीज है वो है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना. ये किसमें? एक्स प्लस आई वाई फॉर्म. किसमें रिप्रेजेंट करना? जैसे हाँ, वन माइनस टू आई अपॉन थ्री प्लस फोर आई है. एक पार्ट है टू माइनस फाइव आई या टू प्लस फाइव आई ले लीजिए और एक ले लीजिए थ्री प्लस टू आई. इसको ए प्लस आई भी मैं आप लिख के दिखाएंगे. थोड़ा ध्यान से कैलकुलेशन करेंगे. यस ठीक है बेटा. सर फर्स्ट वाला माइनस वन बाय फाइव माइनस टू आयोटा अपॉन में फाइव. जब आप सॉल्यूशन पे जाएंगे तो आप करेंगे कंजुगेट. दूसरे वाले का 16 प्लस 11 आई बाय 13. अच्छा तो ये अपने पास सॉल्व हो जाएगा एक पार्ट जिसमें 9 प्लस 16 तो नीचे हो जाएगा यानी कि 25. Yes, माइनस ऊपर अपने पास थ्री माइनस पहले तो फोर आई बनेगा फिर सिक्स आई करके ऐसे और प्लस के माइनस के एट आ जाएगा. Yes, फाइव कट जाएगा है ना. फाइव कट जाएगा. Yes, अब बी पार्ट पे जब जाएंगे तो अपने पास कॉन्जुगेट के लिए कौन होगा? थ्री माइनस टू आई इस तरीके से होगा. यस सर. सबको क्लियर है? यस सर. नोट कर ले जरा इसको. डन सर.
हो गया बेटा यहाँ पे, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे तो, आगे बढ़ रहा हूँ। यस सर हो गया। जी अब होता है वेक्टर्स जैसे यूज होते हैं ना इसी तरह से, वेक्टर में क्या था आई आई जे जे के ऐसे ऐड करते थे याद है अपने को, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल इमेजिनरी का चक्कर होता है। तो अब आप एडिशन ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये चीजें अब हम पढ़ेंगे ठीक है। तो अगर एक आपके पास जेड वन है, एक आपके पास जेड टू है, इन दोनों को आप ऐड करने जा रहे हैं। पहली कंडीशन जब ऐड करोगे आप तो ए प्लस आई बी सी प्लस आई डी, अब आप इसे रियल रियल वाले के साथ लेके जाएंगे क्यों बेटा? यस सर। तो ये अपने पास होगा a प्लस c, अब आप इमेजिनरी वाले यस सर p प्लस b, क्या मेरी बात क्लियर हो गई? यस सर। यस सर। कोई कंफ्यूजन किसी को? नो। यस सर। आप इसी को ज्योमेट्री की शेप में भी चेक करते रहेंगे हाथों हाथ, ये भी देखेंगे। मान लीजिए ऐसे आपको z1 z2 समझ रहे हो, इस तरीके से आपके पास दो वेक्टर हैं, एक z1 है और एक z2 है ठीक है। ये चलो a ले लेते हैं, इसको आप b ले लो, तो ये ऐसे डिस्टेंसेस बताते थे याद है, हमने ऐसे पढ़ा था, हमने ऐसे पढ़ा था कल कि भाई कोई पॉइंट है p तो ये ओरिजिन से डिस्टेंस होती है op ना, OP जिसे मैंने RV बोला था। Yes, sir. ठीक है जी। तो अब मैं बात करता हूं, जब आप इसे ज्वाइन कराएंगे मतलब आप क्या करो, आप पैरेललोग्राम टाइप की शेप बनाओ, याद है अपने को पैरेललोग्राम टाइप की शेप? Yes, sir. तो बेटा इसमें ये जो रिजल्टिंग फॉर्म होगी ना ये वाला हो, ये जो आप देख रहे हैं फाइनल वाला बीच वाला, ये आपका रिजल्टिंग होगा, यानी कि ओपी कह दोगे तो ओपी वेक्टर लगाना नहीं है, चलो वेक्टर नहीं लगा रहे, ओपी जो होगा ये अपना दोनों का सम बन जाएगा। ओपी क्या होगा? दोनों का सम ठीक है, या इसी को यहां मेंशन कर सकते हो ऐसे, समझ में आया? पैरेललोग्राम जैसे वेक्टर, थोड़ा थोड़ा वेक्टर ही फॉलो हो रहा है याद रखना, और ये बात समझ? यस सर। तो जो ओ आर की लेंथ होगी ना, ओपी की सॉरी, जो ओपी की लेंथ होगी, या ये मैं कह दूं ये जो इस बार का आर बनने वाला है वो मैग्नीट्यूड किसका बनेगा? इसका। यस सर। क्लियर है सबको? यस सर। चलिएगा नोट कर लीजिए। डन सर। इसका वेक्टर से काफी मिला जुला है, ध्यान रखना। अब हम आते हैं सब्ट्रैक्ट करने पर। आप जेड वन माइनस जेड टू कर दीजिए ठीक है, क्या कर रहे हैं आप? जेड वन माइनस जेड टू, तो रियल रियल के साथ जाना है इस बार भी, इस बार भी रियल रियल के साथ जाएगा इस तरीके से। क्या ये लाइन क्लियर है सबको? याद है? यस। अब मैं यहां पर आता हूं, आपके पास जैसे पहले था ये जेड वन है, समझ रहे हैं आप, ये अपने पास जेड टू है, तो ये माइनस जेड टू तो इधर आ जाएगा यहां पर, यस सर, से बी डैश कह देते हैं, आ रहा है समझ? बिल्कुल वेक्टर की तरह फॉलो, वेक्टर की तरह फॉलो,
अब इसे इसे आप पैरेललोग्राम की तरह बनाएं, और ये जो बनेगा ये इस बार ये जेड वन माइनस जेड टू ऐसे आने वाला है। आ गया कुछ समझ? नहीं आया भाई? आ गया सर। हम बात कर रहे थे ग्राफ एक और बार। हाँ, ये अपने पास जेड वन था, ये अपना जेड टू है, इसका पीछे की तरफ डायरेक्शन बना दोगे तो ये माइनस जेड टू हो जाएगा, जैसे वेक्टर में होता था ना, ऐसे जा रहे हैं तो ये अपना ए पॉजिटिव है, और जैसे ही इसकी डायरेक्शन बदलोगे ऐसे तो ये माइनस ए हो जाता है। ठीक है ना बेटा? यस सर। क्लियर हो गया? नहीं हुआ? यस हो गया। आगे चले। यस सर। यस सर। अब आप इसी बात को जेड वन इक्वल टू ए प्लस आई बी और जेड टू इक्वल टू सी प्लस आई डी, जब आप इसे मल्टीप्लाई पे लेके जाएंगे, किस पे लेके जाएंगे? मल्टीप्लाई। तो किस तरीके से जाएंगे? ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके देखें जरा एक बार। इसी प्लस ए आई डी, तो ये होगा ए सी माइनस बी डी रियल एक साथ, है ना? ए डी बी डी सी प्लस ए डी प्लस बी सी। किसी को कोई समस्या हुई समझने में? नो सर। अब अगर मैं इसके हिसाब से चलूं और जेड वन का मैग्नीट्यूड लूं और थीटा वन कहूं इसका, तो ये टेन इनवर्स बी अपॉन ए होगा। बी अपॉन ए। यस सर। दारी बात। यस सर। भाई आवाज कहीं पे कुछ खतरनाक हो रहा है। कुछ खतरनाक कहीं घपला हो रहा है। आर्गुमेंट हो रही है क्या? समझ में आ गई बातें? यस सर। ठीक है यहाँ पे? यस सर। अब ज्योमेट्री के हिसाब से कैसे चलेगा ध्यान देंगे। ये अपना क्या था एक तरह से जेड वन, ये क्या था अपना एक तरह से जेड टू, इसका एंगल थीटा वन, इसका एंगल थीटा टू। जब आप ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान रखना जब ये मल्टीप्लाई होती है ना तो एंगल्स ऐड होते हैं। एंगल्स क्या हो जाते हैं? मतलब आपका ये खिसक के कहां पहुंचना चाहिए? ऐसे। और ये पूरा एंगल क्या होगा? थीटा प्लस। कुछ समझने में दिक्कत आई? यस सर, आ गया समझ में। हाँ, एंगल जो है वो ऐड हो जाते हैं, और न्यूमेरिकल वैल्यू निकलेगी क्या इसका मैग्नीट्यूड? जेड वन इंटू जेड टू का मैग्नीट्यूड आपको पता है रूल, तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टाइप रख लेते हैं। यस सर।
ठीक है ना आप अपना? यस सर। चलेगा, नोट कर लें इसको, फिर अभी डिवीजन वाला देखते हैं, कंजुगेट वाला। डन सर। फिर से अपना आते हैं डिवीजन के लिए कि जेड वन अपने पास था ए प्लस आई बी, जेड टू था सी प्लस आई डी। जेड वन अपॉन जेड टू करोगे तो ए प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी। यस यस सर। अब क्या कॉन्जुगेट आपको पता ही है, लेते थे डिवाइड वाले केसेस के लिए। अब ऊपर का प्रोडक्ट अलग हो जाएगा, नीचे का अपना सी स्क्वायर डी स्क्वायर आएगा। पता है मुझे? यस तो ए सी प्लस बी डी प्लस आई कॉमन बी सी माइनस ए डी, ऐसा हो जाएगा। यस सर। इस बार एंगल सब्ट्रैक्ट होंगे, क्या होंगे एंगल? Subtract. Z1, theta 1, Z2, ये theta. क्या इतनी बात मेरी समझ में आ गई? Yes, sir. Yes. और इन दोनों के बीच में आएगा Z2 और Z1 और Z2 का डिवीजन, और ये जो एंगल होगा ना दोनों के बीच का, yes, sir. ये theta 2 माइनस theta 1 टाइप से बन गया है, ये सॉरी ये बीच की एंगल। इस बार एंगल क्या होगा? सब्ट्रैक्ट। क्या होगा एंगल? सब्ट्रैक्ट। ठीक है, देखो ये अपना थीटा वन पहला, ये अपना थीटा टू, ये जो रिजल्टिंग बनेगा ये थीटा टू माइनस थीटा वन। तो यहां मेंशन कर लेते हैं एंगल क्या होगा, थीटा टू माइनस थीटा वन, सॉरी थीटा वन माइनस थीटा टू, इन्होंने ना ये उल्टा लिखा हुआ है एंगल। ठीक है, एंगल कैसे, ये ऊपर नीचे कर दिए, ये चीज ये ऊपर नीचे कर दिए हैं ऐसे। ये जेड वन है और ये जेड, क्योंकि जेड वन ज्यादा होना चाहिए तभी तो बड़े को छोटे से डिवीजन, वरना नेगेटिव का चक्कर हो जाता है, समझ रहे हो, माइनस का गड़बड़ हो जाता है। अदरवाइज yes, वो वाली चीज मुझे लिखनी चाहिए थी जेड टू, है ना? yes, चीज मुझे क्या लिखनी चाहिए थी? जेड टू अपॉन जेड वन। हाँ चलो लिख लो इसको, जो भी आप करना चाहें। डन सर। अब यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, चलिएगा ध्यान से करेंगे मेरे बच्चे। तो एक एक करके स्टार्ट कर लेते हैं। yes, अब ए पार्ट में सीधा ऐड करने वाला मामला है, तो मैं 3 प्लस 12 वाई लिखूंगा। yes, sir. भाई सीधा सीधा है? yes. बी आपको जेड वन जेड थ्री करना है, तो टू का एक तरह से ऐसे लिख लेते हैं जेड वन जेड थ्री इक्वल, ये अपने पास 8 प्लस 15 का कॉम्बिनेशन 8 बनेगा, है ना, जो रियल पार्ट है। आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन रख दी मैंने डायरेक्टली, ये जो इसके साथ जाएगा आई स्क्वायर बनेगा ना, माइनस में 15 आई स्क्वायर, मैंने वो सीधा सीधा। अब ये इसके साथ गया आई बाहर, 20 माइनस 6 क्यों? yes, sir. सही लिखा मैंने? Yes, sir. अब क्या बनेगा ये?
14 9. अब ये एक चीज मैं यहां देख रहा हूं, ये है भाई जेड वन जेड टू एक साथ है, देन जेड, ऐसा है ना? यस सर। एक आप ये देखिएगा, ये कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव टाइप की चीजें पूछ सकता है इस पे, इसलिए हमने एक ऐसा लिया जिसमें कई चीजें आ रही है ना। चलो जेड वन जेड टू करते हैं, 2 - 35 + i और ये 5 + 14 ऐसे ही तो होगा। यस सर। लास्ट में जेड थ्री इस्तेमाल किया मैंने, डायरेक्ट लिखा है, अभी डायरेक्ट लिखा है, अब करूंगा। तो मैं -33 and 19 i लिख सकता हूं। यस सर। अब क्या करोगे? बस अपने कॉम्बिनेशन पे चले जाते हैं। ये इसके साथ गया तो कितना हुआ, 132। और ये दोनों एक साथ +57। यस सर। होगा नहीं होगा, सोच लो। पता चला मैंने लिख दिया, गलत लिख दिया, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है? करेक्ट। अब इसको करते हैं, 76 + 99। क्या ठीक चल रहे हैं हम लोग? यस सर। चलो भाई अब इसको ना प्लस माइनस करके बताओ क्या क्या आया। अच्छा -75 + 75 तो बढ़िया है अपना, आ गया ना? यस सर। जिसने जिसने कर लिया है बहुत अच्छा, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इसे हटा सकूं। डन सर। हो गया बेटा? यस सर। चलो अब मैं इसको हटा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अब अपना डी पार्ट। ये कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव पढ़े थे ना, कॉम्यूटेटिव दो के लिए होता है, एसोसिएटिव इस तरह से तीन के लिए होता है। यस सर। तो मुझे लगता है तो हो ही गया होगा, तो एक ले लेते हैं, फिर डी वाला कर लेते हैं। सर हो गया। हो गया। ये दोनों इक्वल आ गए। यस सर। चलिएगा फिर तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर अपने। यस सर। हाँ इसे स्क्रीनशॉट जिसे लेना है ले लो, आगे चल रहा हूँ। अब है अपनी पोलर फॉर्म को लेकर के चीजें, कहीं कहीं ना ट्रिग्नोमेट्रिक का वर्ड भी मिलेगा। कहीं कहीं ये ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड भी आता है, ठीक है बेटा? यस। तो अगर जेड इक्वल टू आपके पास एक्स प्लस आई वाई है कोई, तो हमने फिगर भी इसकी देख ली थी, ऑर्डर्ड पेयर याद है ना अपने को, ऑर्डर्ड पेयर कल बात कर रहे थे हम लोग, जेड लेकर के एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर। यस सर। तो ये कोऑर्डिनेट से कनेक्ट कर दिया मैंने, अब इसको ऐसे परपेंडिकुलर डालते हैं, ऐसे हम बात करते थे, समझ में आ रही है बात बेटा? यस सर। बेटा ये जो लेंथ हुआ करता था ये होता था बेटा अपना ऐसे, जिसे मैंने कहा आर या मॉडुलस भी यूज कर सकते हैं। यस सर। ठीक है, और ये टेन थीटा इस्तेमाल करते थे, वो होता था वाई अपॉन एक्स। किसी को समस्या हो तो बोलो। नो सर। बेटा अगर मैं अब ये एक्स वाई की चीजों को पोलर, पोलर का मतलब पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं जिसमें डिस्टेंस और एंगल का इस्तेमाल हो, किस किस का इस्तेमाल हो? डिस्टेंस एंड एंगल। डिस्टेंस एंड एंगल, अब मैं उसका इस्तेमाल करूंगा यहाँ पर, कैसे करूंगा देखना।
फिगर के हिसाब से आप कोस थीटा क्या बताएंगे मुझे? एक्स अपॉन आर, यस सर, बताएंगे? यस सर। और यहीं से एक्स को लिखा जाएगा आर कोस थीटा, इसी तरीके से साइन थीटा होगा वाई अपॉन आर होगा। यस सर, यस। तो अपना वाई क्या हुआ? वाई आर साइन थीटा। अब अगर मैं अपने आर को लिखना चाहूं तो वो ये था रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। तो पोलर फॉर्म जनरली अगर आप कहीं कॉम्पिटिशन लेवल पे बैठे हैं तो आप डायरेक्ट लिखेंगे इस तरीके से। Yes. समझ रहे हैं आप? ये डायरेक्ट का गेम, ये डायरेक्ट का गेम। स्क्रीनशॉट बना ले। अब इसके प्रोसेस पे चलते हैं कि मतलब इस तरह से फिगर से नहीं करना है, दूसरा रास्ता जो कंपेयर से उससे बनता है उससे कैसे। यहाँ पर समझ में आया ना आर को क्या रखना होता है? रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई। और थीटा को क्या रखोगे यहाँ से? वाई अपॉन टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। कल हमने डिस्कस किया था पूरा अच्छे से, है ना, एंगल क्वाड्रेंट्स के रूल्स के अकॉर्डिंग। यस सर, यस, याद है ना मुझे बेटा? यस। चलो इसका स्क्रीनशॉट बनाओ। अब मैं इसको एक तरीके को वो लेते हैं पहले प्रोसेस, फिर उस पे दो एग्जांपल। हो गया? यस सर। अब देखिएगा पोलर फॉर्म के लिए, मान लो जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो सबसे पहले ना इसको कंसीडर कर लो कि भैया पोलर फॉर्म ऐसी होती है। समझ गए आप लोग? हमने ये मान लिया कि पोलर फॉर्म ये होगी। अब आओ ना कंपेयर कर लो, किसकी कंपेयर? आप रियल वाले के लिए कर दो और एक तरफ कर दो इमेजिनरी। समझ में आया मेरे को बेटा? रियल इमेजिनरी क्या करनी है आपको दोनों तरफ से? कंपेयर। तो इधर तो रियल पार्ट क्या है? X. तो यहाँ x है और उधर r cos थीटा रियल है क्योंकि i नहीं है उसके साथ, yeah। और इधर के हिसाब से y होगा और उधर r sin थीटा होगा। क्या मुझे ये बातें समझ आई? Yes, sir. आ गया बेटा? Yes, sir. अब इन दोनों को स्क्वायर कर दो और ऐड कर दो। क्यों कर दो पता है कुछ? जैसे ही आप ये स्क्वायर करोगे, ऐसे स्क्वायर करोगे और ऐड करोगे, तो ये एक्स स्क्वायर बनेगा, ये वाई स्क्वायर बनेगा। कोई कंफ्यूजन किसी बात को लेकर? नो सर। आ रही है बात समझ? यस सर। अब RHS में भी तो कुछ होना चाहिए इसी तरीके का। Yes, sir. RHS में क्या होगा? R square cos square theta, R square sin square theta। हाँ या ना? Yes, sir. क्या मैं ऐसा मान लू R square common cos square theta plus sin square theta? कोई कंफ्यूजन? नो सर। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि वन लिख दूंगा ब्रैकेट को? यस सर। मतलब यहां से आर की वैल्यू कुछ ऐसी सोच सकता हूं? यस सर। तो मुझे यहां आर मिल चुका है, अब थीटा की बारी। आर आ गया मेरा? यस सर। अब आप क्या करेंगे?
अब आप डिवाइड करेंगे किसको, थ्री बाय टू, थ्री को टू से, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, टेन थीटा वाई बाई थीटा टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। क्या मैं ये समझ पाया, ये आंसर बन गया मेरा? यस सर। बेटा अच्छा अच्छा चलो, अब मैं ये जो वैल्यूज यहाँ है, ये आर और थीटा है, जो मैं इस तरीके से फाइंड कर चुका हूँ, आर एंड थीटा। थीटा का याद रखना क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग एंगल लेना है, किसके अकॉर्डिंग, क्वाड्रेंट कोऑर्डिनेट। हाँ ध्यान रखना, थीटा क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लेंगे, ठीक है। अब क्या काम है, अब मेरे को ये जो आर और थीटा है वो यहाँ रख देने, क्या करना है आपको, पुट कर देना है क्या, आर एंड थीटा इन इक्वेशन वन, और जो आंसर बनने वाला है दैट इज पोलर। इसके बाद जो आंसर बनेगा वो पोलर फॉर्म। चलो इसको इसको फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, स्क्रीनशॉट ले डन सर। हो गया सभी का, सर डन। चलो आगे चलो, अब इसी के रेस्पेक्ट में एग्जांपल है, दो एग्जांपल लेंगे। फाइंड द पोलर फॉर्म ऑफ चलो इस पे जरा विचार बनाओ, करो जरा इसको, चलो देखते हैं हम लोग, टैली कर लेना आप लोग, देखना कैसे है अपना। ए पार्ट में भाई जेड इक्वल टू है रूट थ्री माइनस आई, ठीक है, रूट थ्री माइनस आई। अब सबसे पहले तो अपना कंसीडर करना था क्या, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, याद है मुझे भाई, ऐसे दिख रहा है ना मुझे, यस सर। अब मैं क्या करूं, कंपेयर, तो रूट थ्री किसके इक्वल होगा, आर कॉस थीटा, और माइनस वन किसके इक्वल होगा, आर साइन थीटा, और ये जो आप देख रहे हैं ये प्लस माइनस की कंडीशन है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, जी समझ रहे हो आप, यस सर, यस सर। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से माइनस थीटा यूज करूंगा मैं, पता है मुझे ये बात, यस सर। चलिएगा, तो मैं इसको बोलता हूं इक्वेशन वन टू थ्री। अब इसका आप ये है क्या, टू को कॉस थर्टी माइनस आई सी साइन थर्टी, कोई बोल रहा है कुछ? हाँ बेटा, सर मेरा इसका आंसर है टू कॉस थर्टी माइनस आई सिन साइन थर्टी, माइनस आई साइन थर्टी, यस सर। हाँ चलो अभी बिल्कुल अभी देखते हैं, बस टैली कर लेना। देखो मैं सीधा बोलता हूँ, आपने स्क्वायर करके ऐड कर देना, आर की वैल्यू टू आ जाएगी, यस सर, यस सर। जब आप इन्हें डिवाइड करेंगे जी, तो थ्री को टू से जी, तो टेन थीटा y upon x, yes sir, समझ में आया ये माइनस थीटा, yes sir, कोई समस्या, कोई डाउट, किसी को डाउट इस बात पे, no sir, इसका मतलब ये r और ये थीटा मेरा बन, yes sir, r और थीटा मेरे आ गए,
माइनस फाइव बाई सिक्स है ना। अब ये वाली वैल्यू आप कहाँ लेके जा रहे हैं? इसमें इक्वेशन वन पे, सही है? यस सर। तो आपका आंसर बनने वाला है कि भाई रूट थ्री माइनस आई इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कॉस पाई बाई थ्री माइनस आई साइन पाई बाई सिक्स, सॉरी पाई बाई सिक्स। कंफ्यूजन? नो सर, बस ये आ गया। अब यहाँ पे कॉस के साथ माइनस क्यों नहीं है? क्योंकि कॉस थीटा पॉजिटिव होता है। हाँ, दूसरा कई जगह आप ऐसा भी पढ़ेंगे कि अगर आप x माइनस आई वाई वाले पे जा रहे हैं तो वो ये भी कहते हैं कि भाई आप ना डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, ऐसे भी पढ़ोगे कई जगह, ठीक है? पर हम कोशिश करेंगे, हम 10 चीजें ना याद करके एक बेसिक, बहुत अच्छा सा बेसिक अपना दिमाग में बैठा के रखेंगे, कुछ भी आए फिर लग जाता है उस, है ना? Yes, sir. चलो इसको इसको स्क्रीनशॉट बना लो, फिर दूसरा पार्ट डिस्कस करते हैं। Then, sir. चलो दूसरे पार्ट के लिए चलिएगा। बी के लिए भी सीधा सीधा सा ले लेते हैं, टू रूट थ्री प्लस सिक्स आई इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये अपने पास है टू रूट थ्री कॉमा सिक्स, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। समझ में आ रहा है मेरे को? यस सर। अब आगे बढ़ते हैं, तो मेरा आर क्या आना चाहिए? 48 रूट में 48, तो ये तो 4 रूट 3। यस सर। क्यों, ऐसा कुछ आएगा क्या? यस सर। सभी को क्लियर हुआ बेटा ये? यस सर। और अपना टेन थीटा, टेन थीटा होगा वाई अपॉन एक्स। यस सर, थ्री रूट थ्री अपॉन रूट थ्री। यस सर, देख लो। यस सर, रूट थ्री आ गया। यस सर। तो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट 60 डिग्री। यस सर। तो मैं यहाँ अगर इसको लिखना चाहूं अब पोलर फॉर्म को, तो मैं क्या लिखूंगा? टू रूट थ्री प्लस सिक्स आई इक्वल टू फोर रूट थ्री कॉस पाई बाई थ्री प्लस आई साइन पाई बाई थ्री। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जनरल, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करें। जनरली जेड अगर एक्स प्लस आई वाई था तो मोड जेड हमने सबने पढ़ा हुआ है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, टेन थीटा पढ़ा हुआ है, कंजुगेट सबको मालूम है, x माइनस आई वाई, कंजुगेट का मैग्नीट्यूड हमने डिस्कस किया। Yes. अगर मैं इनके स्क्वायर्स ऐसे ले लूं तो ये चीज बन जाती है, क्योंकि z इंटू z बार जो होगा वो x स्क्वायर y स्क्वायर आए। क्या मेरी ये बातें सब क्लियर है? Yes. जो एक्स वाई की वैल्यूज होती हैं, वो ज्यादातर मैग्नीट्यूड्स के बीच में ही लाई करती हैं, चाहे वो रियल हो चाहे इमेजिनरी वाला वाई हो, दोनों किसके बीच लाई करेंगी? प्लस मैग्नीट्यूड एंड माइनस मैग्नीट्यूड, ठीक है? ठीक है बेटा। यस सर।
कितने बच्चे, चलो इसको मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इसे स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ता हूँ। हो गया बेटा? यस यस सर। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ट्रायंगल की प्रॉपर्टी एक ये पता है, जैसे ए बी सी, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी। मैंने ऐसा पढ़ा था कोई भी दो साइड ऐड करोगे वो तीसरे से बड़ी हो, याद है मेरे को? ठीक है। अभी आपने देखा होगा जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, है ना, जेड वन प्लस जेड टू और जेड वन माइनस जेड टू किया था, तो वहां भी तो थोड़ा ट्राइंगल टाइप का शेप बनता था ऐसे ऐड करने पे, भाई वो पैरेललोग्राम टाइप का शेप था ऐसे, था ना? तो एक तरह से ये तो ट्राइंगल शेप ही हो गई इधर वाली, तो दो साइड का सम तीसरे से ज्यादा आना चाहिए। यस सर। तो अब यहाँ पर इसी तरह की कुछ चीजें हैं, जैसे अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड करके रिजल्ट बना रहे हो, उसका रिजल्ट इंडिविजुअल के रिजल्ट से हमेशा छोटा होता है, क्योंकि ये दो अलग अलग साइड है, उनका सम हमेशा ज्यादा होगा सिंगल साइड। ठीक है, अगर कोप्लेनर वाली बात होगी तो दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक जी, यही बात डिफरेंस पे भी लागू है। उन दोनों का डिफरेंस देखो, डिफरेंस में हमने ऐसे देखा था ना, ये नीचे बना दिया था फिर ऐसे करके बनाया था, याद है? यस सर। हाँ, तो ये इंडिविजुअल दोनों का वही चीज एक तरह से यूज हो रही है, दूसरा ये हो गया अपना। तीसरा केस है कि अगर मैं जेड वन माइनस जेड टू लू तो उसकी वैल्यू जो होगी वो इंडिविजुअल के डिफरेंस से ज्यादा होगी या इक्वल होगी, ये आप। ठीक है, यस सर। आगे चलें सर। हाँ जी बेटा। सही, यहाँ पे तो माइनस था ना, फिर भी यहाँ पे प्लस कैसे आ गया? नहीं, ये देखो, ये इससे मतलब नहीं, ये तीसरी साइड है ट्रायंगल में, ये वाली जो है ये साइड है, और इन दोनों के सम से, इन दोनों के सम से छोटी होगी। यस सर। और यहाँ पर डिफरेंस से ज्यादा होगी ये, ठीक है? यस सर। तीसरी साइड, अगर आप दो के कॉन्जुग वो ले रहे हो मल्टीप्लाई और इनके एक साथ कॉन्जुगेट लेते हो तो इंडिविजुअली भी वही कर सकते, ठीक है, इंडिविजुअली भी वैसे ही जा सकते हैं। ले लो स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ूंगा। अगर आप सम कर रहे हैं और उसका कॉन्जुगेट आपसे पूछा जाए तो अलग अलग का कॉन्जुगेट का ऐड करके भी बना सकते हो, ऐसे ही डिफरेंस पे चलता है। सर, कॉन्जुगेट से मतलब क्या है इसमें? ओपोजिट साइन। ओके सर। अभी अभी मैं लिख के देता हूं दोबारा, बिल्कुल इस तरीके से। देखो, ये अगर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है बेटा, कल जो क्लास हुई थी ना उसमें था ये, तो ये आयोटा वाला साइन आपका चेंज, किसका साइन चेंज होता है? आयोटा का, मतलब रैशनलाइज टाइप का, है ना? हां जी बेटा, रैशनलाइज परमेयकरण। हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा, ठीक है, आगे चलें। यस सर। अगर आप जेड है ये ऐसे, यस सर, इसकी होल पावर ले लो, ठीक है, या इसको पहले n पावर बना लो फिर कॉन्जुगेट ले लो, दोनों एक ही बात होगी। यस सर।
सही चल रहा है बेटा? यस सर। ऐसा भी कल हमने देखा था कि अगर जेड और जेड बार को ऐड करते हैं, जैसे इन दोनों को ऐड कर लो तो अपने पास 2x आता है, यानी कि ट्वाइस ऑफ रियल जेड। समझ गए क्यों बेटा? यस सर। और अगर जेड और कॉन्जुगेट का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सब्ट्रैक्ट होने पे ऐसे बनेगा, ठीक है? yes. ये कट जाएंगे इस बार, तो ये ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी जेड, ठीक है? आई एम लिख लो चाहे आई एम जी लिख लो, आई एम सही है वैसे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपने याद रखने हैं, इनकी जरूरत पड़ती है कई बार। हो गया बेटा? यस सर। यस सर। अगर आपके पास एक जेड वन एक जेड टू ये डिवाइड में और इनके आपसे कॉन्जुगेट पूछे जाएं तो आप अलग अलग डिवाइड में। हाँ जी सर, ये जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू टू ऑफ इमेजिनरी जेड है। हाँ okay, मतलब sir. ये टू वाई बनेगा ना यहाँ पे। यस सर। तो वाई इमेजिनरी होता है इसलिए। यस सर। ठीक है बेटा। आगे चलें। यस सर। स्क्रीनशॉट बना लो बेटा इसको। डन सर। अब एक और भी थोड़ा अच्छे से समझते हैं। हमने बात करी कि जब दो नंबर होते हैं उनकी मल्टीप्लाई की जाती है तो इस केस में जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड अपना दोनों का इस तरीके से जो लिखा जाएगा वो अगर पोलर फॉर्म है तो वो आर वन आर टू बन जाता है। क्या बन जाता है? आर वन आर टू। आर वन आर। अब यहाँ पर आर वन आर टू से मतलब है कि अगर जेड वन आर वन कोस थीटा वन आई साइन थीटा वन हो और जेड टू आर टू cos theta 2 i sin theta। अगर ये सिचुएशन आपके पास है उस केस में प्रोडक्ट होने पर आपका मैग्नीट्यूड r1 r2 होगा और जो एंगल होगा वो दोनों के समकेक। किस किस को डाउट है इस बात पे? नो सर। चलिएगा तो स्टार्ट करते हैं। z1 into z, ठीक है, आपका दोनों का प्रोडक्ट सीधा R1 R2 बाहर आ गया, हाँ या ना? यस सर। भाई दोनों की प्रोडक्ट बाहर हो गई है तो क्या कहते हो? यस सर। R1 R2। यस सर। अब अंदर जा रहा है प्रोडक्ट कैसे? थीटा वन वाला इस थीटा टू वाले से जाएगा कॉस। ये लाइन समझ में आई? यस सर। आई सर। आ गई। अब ये दोनों जाएंगे समझ रहे हो? देखो ध्यान दो, ये दोनों गए तो मेरा कॉस, हाँ कॉस थीटा वन दोनों से गया ना बेटा। अब इसकी बारी आ गई, ठीक है, अब इसकी बारी आ गई। अब क्या करूंगा मैं? आई देखो ये आई कॉस थीटा टू या साइन थीटा वन? कॉस थीटा टू। कॉस थीटा टू प्लस आई स्क्वायर साइन साइन वाले दो, है ना?
कितनों को समस्या है? नो सर। क्या मैं अब इसे आई स्क्वायर को माइनस वन लिखूंगा यहाँ वाले को? यस सर। जब ये आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन हो जाएगी तो ये दोनों पार्ट एक साथ रियल वाले हो सकते हैं? ऐसे होगा नहीं होगा सोचो। कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू साइन थीटा वन साइन थीटा टू। ये बात देखो पहले, ये इतना क्लियर हुआ मुझे? यस सर। भाई मैंने रियल रियल एक साथ, क्या अब इमेजिनरी में आई कॉमन ले लेते हैं? क्या लिखोगे? साइन थीटा वन एंड साइन थीटा टू। थीटा वन कॉस थीटा टू प्लस कॉस थीटा वन साइन थीटा टू। कहानी क्लियर? यस सर। क्या मैं अब ऐसा देखता हूं कि ये तो आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री में? आइडेंटिटी याद करो, कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू बनेगा ये तो। यस सर। और ये आई साइन थीटा वन प्लस थीटा टू, क्या कहते हो? क्लियर है बात? यस सर। यस भाई नोट कर ले। डन सर। अब इसी में ध्यान देना, ध्यान देना, जब मैं यहां पर मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, जेड वन जेड टू का मैग्नीट्यूड, तो वो आ रहा है आर वन आर टू। क्या रहा है? आर वन आर टू का मैग्नीट्यूड ये है, ये तो एंगल है ना। और अगर मैं इसी बात को कह दूं कि भाई जेड वन इंटू जेड टू के मैग्नीट्यूडो का प्रोडक्ट है, तो क्या बुराई है? नो सर। इसका मतलब जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इंडिविजुअल प्रोडक्ट हो जाता है मैग्नीट्यूड्स का जो वहां लिखा हुआ है। सही है? यस सर। यही तो बात है। आया समझ? Yes, और बेटा एंगल जो होगा, एंगल किसका? जेड वन जेड टू का, वो क्या है? थीटा वन प्लस थीटा टू। मतलब एम्पलीट्यूड जो है प्रोडक्ट का फाई, वो है एम्पलीट्यूड जेड वन प्लस एम्पलीट्यूड जेड टू। हाँ या ना? देखो। यस सर। भाई पूरा अगर एम्पलीट्यूड ले रहे हो आप प्रोडक्ट का, तो दोनों के सम से बन रहा है ना। तो मैंने जेड वन जेड टू एड करके लिख दिया अलग अलग, जेड वन जेड टू का एम्पलीट्यूड एंगल, ठीक है ना बेटा? यस सर। तो इस तरीके से मैंने ऑब्जर्व किया कि एंगल जो है वो एड हो जाते हैं प्रोडक्ट करते हैं, और मैग्नीट्यूड जो है वो दोनों इंडिविजुअल प्रोडक्ट में रिजल्ट के इक्वल बनते हैं। यानी कि जब रिजल्ट लिखोगे प्रोडक्ट का, तो मैग्नीट्यूड की डायरेक्ट प्रोडक्ट एंगल के लिए ऐड। सही है? यस सर। नोट कर लें। हो गया? यस सर, हो गया। यस सर, हो गया। अब फिर से उसी तरीके से जेड वन जेड टू है मेरे पास, ये क्या हुआ आर वन, ये क्या हुआ आर टू। यहाँ पे क्या आएगा?
cos theta 1 cos theta sin theta 2 minus 1 yes sorry I sin theta 1 और नीचे क्या लिखोगे cos theta 2 plus I sin theta 2 theta 2 ठीक है यहाँ पर yes sir यानी मैग्नीट्यूड तो डायरेक्ट ही समझ आ रहा है कि भाई डिवाइड हो जाना चाहिए ऐसे yes sir yes sir अब एंगल एंगल पे बात करते हैं ये था cos theta 1 plus I sin theta 1 cos theta 2 I sin theta 2 क्या मैं समझ गया यहां तक अब प्रोडक्ट कर दो कंजुगेट क्या कर दो कंजुगेट का प्रोडक्ट कंजुगेट मालूम है ना मुझे ऑपोजिट साइन यस सर तो ऊपर वाली चीज क्लियर हुई क्या मुझे ऊपर वाला पार्ट क्लियर हो गया क्या किया मैंने यस सर तो अब क्या करना चाहिए मल्टीप्लाई हाँ तो नीचे वाली चीज मुझे साफ साफ दिख रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी की कंडीशन है ए स्क्वायर बी स्क्वायर जाऊंगा यस सर ए स्क्वायर बी स्क्वायर जाऊंगा ना नीचे वाले पे तो आर वन आर टू ये रहे नीचे वाला हो गया कॉस स्क्वायर थीटा टू माइनस स्क्वायर साइन स्क्वायर ऐसे होगा नीचे यस सर ऊपर देखो ऊपर में अगर चाहूं तो इसको इसको देख लेता हूं एक साथ cos थीटा 1 cos थीटा 2 फिर इमेजिनरी वाले देखोगे प्लस हो जाएंगे i स्क्वायर की वजह से sin थीटा 1 sin थीटा 2 यस सर समझ आ गई बात यस सर आ गई थीटा इन दोनों का प्रोडक्ट है ये जिसमें i स्क्वायर को मैंने माइनस 1 हाथों हाथ यानी कि डायरेक्ट लिख लिया अब आप आई वाले पार्ट पे जाएंगे तो देखो ये दोनों एक साथ रहेंगे यस सर साइन थीटा वन कॉस थीटा टू माइनस आएगा देखो इसके लिए माइनस आएगा कॉस थीटा वन साइन थीटा टू किस किस को कंफ्यूजन है नो सर आ रहा है ऊपर ऊपर और नीचे अब थोड़ा फोकस कर लेते हैं नीचे वन हुआ यस सर पक्का यस और ऊपर क्या आएगा कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू प्लस आई साइन थीटा वन माइनस थीटा टू यस तो इसे मैं लिख सकता हूं आर वन अपॉन आर टू कॉस थीटा वन माइनस प्लस आई साइन थीटा वन माइनस थीटा टू अब मैं एक चीज देखता हूं कि जब मैं इन्हें डिवाइड कर रहा था तो डिवाइड करने में जेड वन और जेड टू का अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो आर वन अपॉन आर टू आएगा जिसका मतलब है जेड वन का मैग्नीट्यूड अपॉन जेड टू का मैग्नीट्यूड क्या मैं ये समझ गया कहानी yes, sir. और अगर मैं एंगल लिखूं एम्पलीट्यूड तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड वन अपॉन जेड टू दैट इज amplitude of z1 minus amplitude of z2 क्या मैं समझ गया हूँ yes sir clear है सबको yes sir चलो note कर लें